हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मैल न्यूट्रिशन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन गुड हैबिट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैल न्यूट्रिशन के बारे में तो ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन वो तो हमें समझ आ गया क्या है अब यहाँ पर एक प्रीफिक्स है मैल मैल मतलब होता है रॉन्ग या फिर बैड ये एक नेगेटिव टर्म है तो एक पॉजिटिव टर्म न्यूट्रिशन क्या आ गया अगर एक नेगेटिव टर्म मैल न्यूट्रिशन लग जा रही है न्यूट्रिशन क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ हेल्दी फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी अब हम जब ऐसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं ऐसा फूड ले रहे हैं जो कि गलत है या बैड है उसको हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन तो इसकी डेफिनेशन देखें तो मैल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशेंसीज और एक्सेसिस इन न्यूट्रियट इनटेक तो या तो डेफिशिएंसी हो जाए डेफिशिएंसी मतलब कम अमाउंट में हमको न्यूट्रिएंट्स उस फ़ूड से मिल रहे हैं या तो फिर एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं तो मैग न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हो जाते हैं या तो डेफिशिएंसी कि कम अमाउंट में या एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर फूड से तो उससे क्या होगा मैल न्यूट्रिशन होता है रॉन्ग न्यूट्रिशन हो गया इट आल्सो लीड्स टू व्हाट इम्बैलेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एक बैलेंस डाइट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं प्रोटीन फैट्स वाइटामिन मिनरल्स ये सारे के सारे एक बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस उत, उतनी अमाउंट में हमारे को वो खाने चाहिए पर मैल न्यूट्रिशन में क्या होता है इम्बैलेंस हो जा रहा है ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता या तो ज्यादा हो जा रहा है न्यूट्रिएंट्स या तो कम हो जा रहे हैं इम्पेयर न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन या तो जो हमारी बॉडी है वो ढंग से उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है ओवर न्यूट्रिशन इज अ फॉर्म ऑफ मैल न्यूट्रिशन अभी हमने ऊपर देखा या तो एक्सेस में या तो डिफिशियन्सी तो ओवर न्यूट्रिशन में दैट इज एक्सेस वाली की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसा मैल न्यूट्रिशन विच अराइज फ्रॉम एक्सेसिव इनटेक जब ज़्यादा अमाउंट में हम न्यूट्रेंट्स ले रहे हैं तो क्या हो रहा है ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है जिससे कि एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट दैट इम्पेयर हेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब कि जमा हो जाता है बॉडी में फैट और वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में एक्सेस अमाउंट में किसी भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट इज नॉट गुड राइट कोई भी चीज़ का ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना हमारी बॉडी के लिए क्या क्या एक्ट करता है एज अ पॉइजन ही एक्ट करता है जहर की तरह ही काम करता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक ओवरवेट ओबेसिटी ये सब होने के चांसेस होते हैं अगर हम जो फैट हमारा एक एलिमेंट ऑफ फूड है उसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उससे क्या होगा ओवरवेट वेट बढ़ जाएगा और पेसिटी डिजीज़ हो जाएगी अब हम बात कर लेते हैं अंडर न्यूट्रिशन के बारे में तो इसमें चार फॉर्म्स में अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है वेस्टिंग स्टंटिंग अंडर एंड माइक्रो न्यूट्रियट डिफिशेंसी सबसे पहले आता है वेस्टिंग वेस्टिंग इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर हाइट हाइट बढ़ती जा रही है पर्सेंट की बट वेट नहीं बढ़ रहा है जो भी वो फूड खा रहा है वो क्या हो जा रहा है एक तरीके से वेस्ट हो जा रहा है हम बहुत बार बोलते हैं ना कि इसको तो खाना लगता ही नहीं है लंबे से लोग होते हैं बट एकदम सूखे से होते हैं तो क्या हो रहा है उसको हम वेस्टिंग ही बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन होता है वो इट ऑफन इंडिकेट्स रिसेंट एंड सीवियर वेट लॉस ऑल दो इट कैन ऑल्सो परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इट यूजअली अकर्स वन अ पर्सन हैज़ नॉट हैड फूड ऑफ एडिकुएट क्वालिटी क्वान्टिटी और दे हैव हैड फ्रीकुन प्रोलॉन्ग इलनेस इसके अलग अलग रीज़न्स दे रखे हैं यहाँ पे कि या तो अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं खा रहा या तो कम फूड खा रहा है या खा रही या तो फिर कोई एक ऐसी इलनेस है कोई डिजीज है लंबे टाइम से चलती आ रही है वेस्टिंग इन चिल्ड्रन इज एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ डेथ इफ नॉट ट्रीटिंग प्रॉपरली तो इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि इससे डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑब्वियसली जो बॉडी को न्यूट्रिय चाहिए वो नहीं मिल रही तो बॉडी कैसे फंक्शन करेगी अल्टीमेटली डेथ ही होगी देन नेक्स्ट इज स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज एज बढ़ती जा रही है बट हाइट नहीं बढ़ रही है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक और रेकरेंट अंडर न्यूट्रिशन बहुत लंबे टाइम से या फिर बार बार अंडर न्यूट्रिशन फेस कर रहा है वो चिल्ड्रन की मिल ही नहीं रहा है प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड तो उससे स्टंटिंग होती है इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद पॉवर्टी पुअर मेटर्नल हेल्थ न्यूट्रिशन फ्रीकवेंट इलनेस इम प्रॉपर फीडिंग केयर इन अर्ली लाइफ तो ये कुछ रीजनस हैं जैसे कि पॉवर्टी पैसे नहीं है प्रॉपर फूड खाने के लिए मेटरनल हेल्थ मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी वूम के टाइम पे तो बेबी अंडर वेट डिलीवर हुआ एंड इलनेस uh, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है प्रॉपर फीट नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स बेबी को और केयर नहीं मिल रही है तो ये सबसे स्टंटिंग होता है दैट इज़ एज बढ़ती जा रही है बट हाइट नहीं बढ़ रही स्टंटिंग प्रिवेंट्स चिल्ड्रन फ्रॉम रीचिंग देयर फिजिकल एंड कॉग्नेटिव पोटेंशियल तक वो नहीं पहुँच पाते जितना वो पहुँच सकता उतना नहीं पहुँच पाते देन आता है अंडर वेट इट इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर एज एज बढ़ रही है पर वेट नहीं बढ़ रहा अ चाइल्ड इज अंडर वेट में भी स्टंटेड और वेस्टेड और बोथ जो अंडर वेट चाइल्ड है या तो स्टंटेड होगा या तो वेस्टेड होगा या तो फिर दोनों होगा देन लास्टली माइक्रो न्यूट्रिय डिफिशेंसीज माइक्रो न्यूट्रियस हमारे क्या होता है वाइटामस एंड मिनरल्स तो इनकी जब डिफिशेंसी हो जाती है तो उससे भी अंडर न्यूट्रिशन होता है और अभी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो वाइटामस एंड मिनरल्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें वो हेल्प करते हैं अदर देन दैट बॉडी की और जो फंक्शनिंग होती है लाइक ब्लड क्लॉटिंग एंड आइज़ को हेल्दी रखना बोन्स को हेल्दी रखना ये सब के लिए भी हमारे वाइटमिनस एंड मिनरल्स यूज़ करते हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम हॉर्मोन्स और अदर सब्सटेंसेस के लिए हमें वाइटाम चाहिए होते हैं और अगर हॉर्मोन्स एंजाइम और ये सब नहीं बनेगा तो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रुक जाएगी तो ये तो हमारा अंडर न्यूट्रिशन आई होप आप लोग को समझ आया होगा अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन नाउ इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कैसे हम रोक सकते हैं मैल न्यूट्रिशन पर तो ऑब्वियसली बात है हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं अगर उस डाइट को प्रॉपर कर दोगे तो ठीक हो जाएगा वो तो so, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो You need to eat a variety of foods from main food groups, including plenty of fruits. बहुत अलग अलग variety के फ्रूट्स खाइए वेजिटेबल्स खाइए स्टार्च रिच फूड्स खाइए ब्रेड राइस पोटैटो पास्ता आपको हर एक चीज खानी है पर राइट अमाउंट में खानी है कुछ भी कम नहीं खाना कुछ भी ज़्यादा नहीं खाना यू जस्ट हैव टू ईट इट इन द राइट अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी तो ऐसे आप इसको प्रिवेंट कर लेंगे तो यही था टॉपिक मैल न्यूट्रिशन आई होप आप को समझ आ गया अंडर वेट ओवर वेट मैल न्यूट्रिशन एंड इसका प्रिवेंशन कैसे करें ये सब के बारे में uh, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सो so दैट जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दिस वॉज़ ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय